सैकड़ों साल पहले अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह रमजान की आखिरी रातों में मोर पंख पे खास वज़ाइफ और इस्मे आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को दिया करते थे कि वो ये मोर पंख अपने घरों में रखें। अल्लाह के फजल करम से नजर हसद तावीज़ात और नहस ताकतें उनके घर पे कभी असर नहीं करेंगी और कामों में जो उलझन है वो अल्लाह के करम से खत्म हो जाएगी। उस रस्म को कायम करते हुए सैयद सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सैयद हसन कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बीबी बादशाह और तकरीबन तमाम शमसी सादात अपने अकीदतमंदों को आज भी मोर पंख पे अपने खानदानी इस्मे आज़म रमजान की आखिरी रातों में दम करके दिया करते हैं ताकि उनका घर तमाम नहस ताकतों से अल्लाह की पनाह में रहे और हर परेशानी उनके घर से दूर रहे। अगर आप ये मोर पंख हासिल करना चाहते हैं तो फी सबीलिल्लाह मेहरबान स्टोन्स से किसी भी पत्थर के साथ 20, 21 और 22 रमजान तक ये मोर पंख हासिल करें। याद रहे ये मोर पंख महदूद मकदार में है। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन स्टोर में मौजूद है उनसे भी ये मोर पंख किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के करम से इस मोर पंख को घर में रखने के बाद नजर हसद तावीज उस पर उसके घर वालों पे कभी भी असर नहीं करेंगे और कामों में जो रुकावटें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह।